राजधानी रे बीजेडी गोष्ठी विवाद घटना दलर कारण दर्शाओ नोटिस रो उत्तर रखिछंती दुई कॉर्पोरेटर अमरे जेना एवं बिरंची नारायण महासुपकार या परे प्रतिक्रिया रखी ना न नै वरिष्ठ बीजेडी नेता अनंत नारायण जेना एवं अशोक पंडांकु इंगित करिछंती आमे काहाकु छाडीबुनी बोली कहिछंती दुई विद्रोही कॉर्पोरेटर आम उत्तर रे आमे समस्तक ना उल्लेख करिछु जो माने आमको हैरान करिछंती प्रकृत दोषी को दल कारण दर्शाओ नोटिस मागु आमे दल को कारण दर्शाओ उत्तर देछु एवं दलर सभापति को अनुरोध करिछु जे माननको पई आमको कारण दर्शाओ मगा जाइछि सेमानकु दल मध्य कारण दर्शाओ नोटिस जारी करु निजकु भुवनेश्वर मालिक भावुथबा भुवनेश्वर दुई नेताकु दल सोकज नोटिस करबा पई दाबी करितबा सूचना देछंती दुई कॉर्पोरेटर उत्तर पाइबा परे दलर सुप्रीमो जहां निष्पत्ति नेबे तहा ग्रहण करिवु बोली कहिछंती दुई कॉर्पोरेटर जो माने आमको दोषारोप करिछंती आम उत्तर माध्यम रे आमर प्रश्नर उत्तर जो रहिछि से दोषारोप रे जे दोषी ताकु आमर दल निश्चिंत रूपे विचार करी तांकु भी दंड दबा आवश्यक अछि निर्दोष को जमी सोकज नोटिस करा जाउछि दोषी को भी सेमती दबा कथा दोषी जे आमको जे आम ना को देकी आमको सोकज नोटिस मगेई छंती दल तरफ जे भी मगेई थिबे आमे तांकु कहूछु तांकु निवेदन करूछु आमे आमे उत्तर रे एया कहूछु आपनकु तांकु निवेदन करिछु दल तरफ सभापति को प्रकृत रे दोषी को सोकज मगा जाउ निर्दिष्ट भाव रे आमको जो भली दुई चारि वर्ष हम जो भाई आमको मानसिक जंत्रणा दौंस जो भाई अनाय अत्याचार कर सबू आम जो माने सहयोग करुद्ध विभिन्न अत्याचार कर संबंध में पुखानुपुख भाव में सब विशेष तथ्य दे आम सब आज उत्तर रखीचु कल उत्तर रखीचु राजधानी में बीजेडी गोष्ठी विवाद घटना दलर कारण दर्शाओ नोटिस उत्तर रखिछंती दुई कॉर्पोरेटर अमरे जेना एवं बिरंची नारायण महासुपकर आपण माने प्रतिक्रिया शुणुते से कहते कि भाव में ना न नहीं वरिष्ठ बीजेडी नेता अनंत नारायण जेना एवं अशोक पंडा आड़क इंगित कर छाड़बुनि आम उत्तर रे आम समस्त ना उल्लेख करूछु जो माने आमको हैरान करिछंती प्रकृत दोषी को दल कारण दर्शाओ नोटिस मागु आम प्रतिक्रिया शुणुते कि भाव में जो दल पक्षर सोकज नोटिस जारी करा जाइतला तार उत्तर रखा पर कौन रही प्रतिक्रिया एवं सभापति को से अनुरोध करो मानाई आमको कारण दर्शाओ मगा जाइए सामान को दल कारण दर्शाओ नोटिस जारी करु चिन्मय साहू आम प्रतिनिधि फोनलाइन जोड़ चिन्मय बीजेडी रे जो गोष्ठी विवाद कथा ताहा अधिक आगो को जाऊ वर्तमान सीधासलख अमरेश जेना एवं बिरंची नारायण महासुपकार दुई वरिष्ठ नेता अनंत नारायण जेना एवं अशोक पंडा का आड़ इंगित कर देखा मिली प्रथम आम देखी बीजेडी पार्टी ऑफिस मीटिंग चलता से समय रे जो दुई कॉर्पोरेटर रही किसी गोष्ठी विरोध करते परवर्त समय बिरंची नारायण एवं अमरेश जेना गोष्ठी जो मैंने कि अभियोग करते अशोक पंडा और अनंत नारायण जेना विरोध में थाना द्वारस्थ होते परवर्त समय आम देखी दुई जन को जो दुई कॉर्पोरेटर समेत आउ तीन जन को बीजेडी रे भुवनेश्वर सभापति अच्छा सोबज नोटिस कर आज की यदि आम देखुचे गत काली पंदर दिन पूरी थी समय पूरी पर आज से सोकज नोटिस उत्तर रखी दलर सुप्रीमो जहां निष्पत्ति ने जहां ग्रहण करे से विश्वास रखी जदि आम देखुचे से गोटे प्रकार जदि कह ना नई अनंत अशोक को इंगित कर कारण से जदि आमको सोकज नोटिस करे से उभय को कहीं नुहे अंपटे आम जदि देखुचे ये गोष्ठी खंड कौट ना कौटी उभय को सोकज नोटिस उभय को जो सोकज नोटिस
ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟି ନା କୋଟି ପଦାରେ ପଡିକି ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଶୋକଜ ନୋଟିସରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଉଭୟ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଉଭୟ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ମାନସିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 14 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି 15 ଦିନର ଅବଧି ସରିଥିଲା ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜି ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୋକଜ ନୋଟିସରେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 10ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ଆମ ଉପରେ ବିଚାର କରି ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିଏ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକଜ ନୋଟିସ ହଉ ବୋଲି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଅମରେଶ ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୀରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କମଳାକାର ଏତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି 2 ବିଦ୍ରୋହୀ କର୍ପୋରେଟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।